सूर्य देवता मेहरबान हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और इसके अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से लू की चपेट में हैं। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। हरियाणा, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश आम जनजीवन पर बुरा असर डाल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन तक लू का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 तारीख के बाद राजस्थान को छोड़कर बाकी जगह पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिसके साथ साथ हमारे पर नमी आएगी और उसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और जो उत्तराखंड का एरिया है, साथ ही साथ दिल्ली NCR में, यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी और जो गिरावट है लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है और 30 तारीख को हमारे पास लगभग 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिल्ली NCR का रह सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस देखा गया, तो वहीं वाराणसी में पारे ने 43 डिग्री सेल्सियस को छू लिया। कानपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। राजस्थान में जयपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, तो राज्य के बूंदी में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री सेल्सियस देखा गया। हरियाणा में श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब था। मध्य प्रदेश में भी विभिन्न शहरों में काफी गर्मी पड़ रही है। सोमवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब था, तो वहीं इंदौर में पारा 42 से 43 डिग्री पर बना हुआ था। वहीं मॉनसून भी वक्त से पहले केरल तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये अगले 24 घंटे में किसी भी समय केरल तट पर दस्तक दे देगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ ही अगले 24 से 48 घंटों में लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की उम्मीद है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD News।